तो चलिए, ये हमारा दूसरा सेशन है क्वेश्चन आंसर का। इससे पहला सेशन आप लोगों ने देख लिया है, कुछ प्रश्न वहां पर डिस्कस किए थे हिंदी साहित्य के और कुछ प्रश्न यहाँ पर किए जा रहे हैं। पहला प्रश्न आज के लिए आपका है, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। दिए गए उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? अब इस प्रश्न से आपको दो जानकारियां मिलती हैं जो कि आपको नोट करनी चाहिए। पहला तो ये कि तितली नामक उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है, और साथ में दूसरी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो यह है कि प्रेमचंद के उपन्यासों में कर्मभूमि, रंगभूमि और गोदान जैसे उपन्यास आते हैं। अब आपने पढ़ लिया इस प्रश्न को, इसके ऑप्शंस आपको याद रह गए, तो भविष्य में आपको पता रहेगा कि कर्मभूमि प्रेमचंद्र का है, रंगभूमि भी प्रेमचंद्र का है और गोदान भी प्रेमचंद्र का है। ठीक है, तो प्रश्नों के डिस्कशन से ये लाभ भी हमको होते हैं और लेने भी चाहिए। त्यागपत्र नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो आंसर आपके सामने है, जैनेन्द्र कुमार। ठीक, तो त्यागपत्र किसने दिया है? जैनेन्द्र कुमार ने दिया है। अब ये उतना महत्वपूर्ण तो नहीं है। देखो, मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे कहा था कि कुछ राइटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनमें से प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद आदि है। ठीक है, तो त्यागपत्र उपन्यास किसका है? याद रखिएगा, जैनेन्द्र कुमार का। सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास का नाम इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है। और सूरदास क्यों इंपॉर्टेंट है आप जानती हैं, भक्ति काल में सगुण भक्ति शाखा के कृष्ण भक्ति उप शाखा के प्रमुख ये लेखक या फिर कहें कि कवि है। खंजन नयन नामक उपन्यास सूरदास के जीवन पर आधारित है। आप लोगों के लिए एक प्रश्न ये रहता है कि ये जो खंजन नयन उपन्यास है ये किसकी रचना है? ठीक है, जल्दी से आप लोग ढूंढ करके चाहे तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, अदरवाइज अपने नोट करने के लिए आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि खंजन नयन उपन्यास सूरदास के जीवन पर आधारित है और यह इनकी रचना है। जिसकी रचना है उसका नाम लिख लीजिएगा। इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का नहीं है? ठीक, तो अब अज्ञेय भी इंपॉर्टेंट उपन्यासकार या कहें कि लेखक हैं हमारे साहित्य के या साहित्यकार हैं, तो यहां से भी दो सूचनाएं आपको मिलती हैं, जैसा आपकी प्रेमचंद्र वाले में मिली थी। पहला तो ये कि दादा कामरेड नामक उपन्यास अज्ञेय का नहीं है। दूसरी सूचना कि शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी नामक तीन उपन्यास जो हैं वो इस इन ऑप्शंस में से वो अज्ञेय के हैं। ठीक है, तो प्रश्न कभी आ जाए आपका नदी के द्वीप किसका उपन्यास है, अज्ञेय का है, कोई टेंशन नहीं है आपको याद करने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रुकोगी नहीं राधिका नामक उपन्यास किसका है? तो रुकोगी नहीं राधिका नामक उपन्यास किसका है? देखिए ऑप्शन में, मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी, उषा और तीसरा नाम कृष्णा सोबती। तो उषा प्रियंवदा नामक लेखिका इस उपन्यास की रचनाकार है। ठीक है, चाक के रचनाकार कौन है? मैत्रेयी पुष्पा। निराला का साहित्य साधना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो निराला का साहित्य की साहित्य साधना सॉरी तो निराला किसका उपनाम था? जल्दी से आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए, याद होना चाहिए आपको। और निराला की साहित्य साधना नामक कृति जो है वो राम विलास शर्मा की है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं स्पेशली मेंशन करूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है ना, बिल्लेसुर बकरीहा किसका संस्मरणात्मक रेखा चित्र है? तो ये जो संस्मरणात्मक रेखा चित्र होता है ये क्या मतलब होता है इसका? संस्मरण मतलब मेमोरी के आधार पर जो कुछ हम लिखते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं हम संस्मरण, स्मृति आधारित जो कुछ होता है। यह है निराला। हिंदी का पहली आत्मकथा किसने लिखी थी, या कहें कि पहला आत्मकथा लेखक कौन था?
ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला जब भी पूछा जाए, कुछ भी पूछे आपसे वो पहला, तो आपको स्पेशली नोट रखना है। बनारसी दास जैन, इनको इसको आप लिख लीजिएगा हाथों हाथ, छोड़ना नहीं है। हाँ ठीक है, पॉज कर लो चाहे अगर वीडियो देख रहे हो तो, और लाइव क्लास में हो तो इसको लिख ही लो आप। हिंदी का पहला आत्मकथा लेखक बनारसी दास जैन, और जो पहला करके आप लिखते हो, नोट्स बनाते हो, उसको एक अलग पन्ने पेज में जरूर लिखिएगा, ठीक है। पहली कविता, पहला आत्मकथा लेखक, पहली आत्मकथा कौन सी थी, साथ में आत्मकथा लेखक आप लिख रहे हैं बनारसी बनारसी दास जैन, तो पहली आत्मकथा कौन सी थी ये भी जरूर लिखिएगा। घुमक्कड़ शास्त्र किसका है, तो ये अज्ञेय का है, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट रह जाता है, क्योंकि राहुल संकृत्यायन ने इस तरह का एक लेख लिखा है आपका, अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा करके, ठीक है। तो घुमक्कड़ शास्त्र मुख्य रूप से उन्हीं के हैं, ठीक है। ठीक है, तो अगर यहां तक कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूं, अदरवाइज आप पूछिए जो कुछ पूछना है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग आपकी स्क्रीन पर, राइट। हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? देखिए क्वेश्चन आपका है, आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे, किसे दिया गया था? सुमित्रा नंदन पंत। निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद्र की एक रचना है? अब ये तो ऑप्शंस आपके पास है नहीं, वैसे पंच परमेश्वर इनकी रचना है। भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह, आप लोगों को बताया भारोपीय भाषाई समूह होता है, इंडो आर्यन लिखा है इन्होंने, है ना, एक ही बात, वैसे भारोपीय होता है। इसका आपका है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है ये तो याद ही रखना है आपको। हाँ, सुमित्रा नंदन पंत को मिला है। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी। अब यहां से दो सूचनाएं मिलती है हमको, एक तो उर्वशी किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की, दूसरा इसी रचना के लिए, उर्वशी के लिए ही उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का भी है, ठीक है ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां पर की जा रही है। भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? चार वर्ग बताए थे आप लोग को, भारूपी होता है आपका, द्रविड़, चीनी, तिब्बती और ऑस्ट्रिक, है ना। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो आगरा में। क्या स्थापित किया जा रहा है? पहला हिंदी संग्रहालय। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को माना गया है पहला राष्ट्रकवि, ठीक है। अब इसी क्रम में दूसरे कौन थे, तीसरे कौन थे, तो आप लोग सर्च कर लीजिए राष्ट्रकवि, और अगर याद है तो यहीं पर अभी चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। हिंदी का प्रथम एकांकी, एकांकी क्या होता है, ये पहले तो ये प्रश्न आप लोगों को आना चाहिए कि एकांकी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ढूंढिए इसको, सर्च कीजिए, है ना, और अपना आंसर अगेन चैट बॉक्स में लिखिए। एक घूंट, तो जिनको नहीं पता है वो लोग पढ़िएगा जरूर, हाँ आपके लिए होमवर्क हो जाएगा एकांकी क्या है। आप एक काम करना है, साहित्य की जो लेखनी होती है उनका वर्गीकरण जो किया गया उसको पढ़ लीजिएगा आप, समझ में आ रहा है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिटरेचर, किस तरीके से क्या क्या लिखते हैं हम, जैसे पद्य है, गद्य है, फिर गद्य में कौन कौन से होते हैं, कहानी है, एकांकी है, संस्मरण है आदि। तो हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट है। अब यहां दो सूचनाएं मिलती हैं, एक तो ये एक घूंट क्या है, एकांकी है। प्रश्न कई बार ऐसा ही पूछता है, निम्न में से कौन सा एक एकांकी का उदाहरण है, तो एक घूंट। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया? चार कालखंड आप जानते हैं, कौन कौन से होते हैं, आदिकाल, अलग लोगों ने अलग नाम दिए फिलहाल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ठीक है। ये आपको आंसर दिए भी हैं। एक नार पिया को भानी, तक बाग तनवा को सगरा ज्यों पानी, ये जो पंक्ति है ये किस भाषा में लिखी गई है? अब देखो ये तो हमें याद नहीं रहेगा ना कौन सी पंक्ति किस भाषा में लिखी गई है, इसके लिए भाषा ज्ञान बहुत जरूरी है, ठीक है। या फिर
आपने साहित्य बहुत पढ़ा है तभी आप पहचान सकते हो कि ब्रज भाषा की पहचान क्या होती है या फिर अवधी की पहचान क्या होती है, खड़ी बोली है। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा मिला है, ये पढ़ाया है आपको। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का, प्रादेशिक भाषाओं का जिक्र किया गया है और जिनमें वर्तमान समय तक 22 प्रादेशिक भाषाओं को मान्यता मिली है। अब आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि क्योंकि आपको पढ़ा चुका हूं मैं ऑलरेडी, तो आप याद है तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए कि प्रादेशिक भाषाओं में संविधान निर्माण तक कितनी प्रादेशिक भाषाएं सम्मिलित थी 8वीं अनुसूची में, ठीक है। और उसके बाद खुद से रिकॉल कीजिए कि किस वर्ष कौन सी संविधान में कौन सी प्रादेशिक भाषा जोड़ी गई, ठीक है। हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक किसे कहा जाता है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम आप याद रखिएगा। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या है, सुधा वर्षण। सुधा मतलब क्या होता है, अमृत होता है, पता होगा आप लोगों को, पता है या नहीं पता है। हेलो, तो नाम भी यस ऐसा रखा है सर, कि हाँ जो अमृत की वर्षा करे, ठीक है, ऐसा नाम रखा हुआ है, काफी अच्छा नाम है। यहां तक कोई डाउट आप लोगों को, हेलो आगे बढ़ते हैं। हिंदी के प्रथम, ये तो हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रानी केतकी की कहानी, ये बहुत ज्यादा पूछा गया प्रश्न है परीक्षाओं में। रानी केतकी की कहानी की भाषा को क्या कहा जाता है, यानी किस भाषा में ये कहानी लिखी गई है, खड़ी बोली में। और आप लोगों से फिर से मेरा निवेदन है कि अगर आपको पता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में लिखिए कि किसने ये रचना की है, मतलब इसके रचयिता कौन है। अपभ्रंश के योग से राजशायनी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना है उसे क्या कहा जाता है। ये थोड़ा सा नया सा प्रश्न हो जाएगा, ये पढ़ाया नहीं है मैंने आप लोगों को, लिख लिया डिंगल भाषा। डिंगल भाषा क्या है, तो अपभ्रंश के योग से, मतलब अपभ्रंश को मिलाने से जो राजशायनी भाषा साहित्य रूप में आई है उसे हिंदी भाषा कहा जाता है। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी, संवाद कौतुमी, कौमुदी। ये इतिहास का भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिर्फ हिंदी साहित्य का ही नहीं है, ठीक है। तो याद रखना है कि प्रथम दैनिक समाचार पत्र की बात करें तो सुधा वर्षण है, लेकिन अगर प्रथम पत्रिका की बात करें तो संवाद कौमुदी है, ठीक है। अब ये पत्रिका किसकी थी ये भी सर्च कर लेना। हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर और कितने सम स्वर होते हैं। समस्वर का मतलब यहाँ पर व्यंजन से है, हाँ ठीक है। देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 14 सितंबर 1949 को किया गया था, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, आने वाला है हिंदी दिवस, तो आपको याद रखना है क्योंकि 1949 में इसी दिन यानी 14 सितंबर को ही देवनागरी लिपि को, क्योंकि हिंदी की लिपि है, राष्ट्रीय लिपि के रूप में स्वीकार किया गया, ठीक है। देखो नीचे क्वेश्चन आ भी गया आपका, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ना। तो अभी फिलहाल हम इतने ही प्रश्न करते हैं क्योंकि फिर ज्यादा हो जाएगा, बाकी जो प्रश्न रह रहे हैं ये इनको कल की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जितने ही प्रश्न आप लोग कर रहे हैं आप लोग को याद भी तो होनी चाहिए, एक दिन में 20 से ऊपर प्रश्न हम याद कर ही नहीं सकते। अगर आपने पढ़ा है पहले साहित्य तो कोई इशू नहीं है, पढ़ा ही नहीं है साहित्य तो फिर रटने की बात अगर आती है तो आप सिर्फ 20 ही प्रश्न एक दिन में रट सकते हो मैक्सिमम, उससे ऊपर के लिए प्रयास करना बेकार है। तो ठीक है, फिर क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, बाकी कोई भी डाउट वगैरह होगा तो आप लोग ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा, इंडिविजुअल मैसेज कर लीजिएगा।